नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने शनिवार को जंगीपुर और बिरनो में समाधान दिवस में भाग लिया। इस दौरान आए फरियादियों की समस्याएं सुनते हुए उसके निस्तारण का संबंधितों को निर्देश दिया। इसके बाद दोनों थाना का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं को देखा। SP ने कार्यालय CCTNS मालखाना मेस बैरक आदि का निरीक्षण किया। जंगीपुर व बिरनो में हो रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए निर्माण कार्य में प्रयोग हो रहे सामग्री की गुणवत्ता को भी चेक किया। संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। कहा कि थाने में साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए। दोनों थाना के निरीक्षण के बाद SP ने मातहतों से कहा कि थाने में आने वाले फरियादियों का सम्मान किया जाए, FIR दर्ज करने में लापरवाही न बरती जाए, लोगों के साथ मित्रवत व्यवहार किया जाए जिससे पुलिस के प्रति लोगों का भरोसा कायम हो सके। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए लगातार क्षेत्र में चक्रमण किया जाए, अपराधियों के साथ सख्ती से पेश आया जाए। सदर कोतवाली में शनिवार को समाधान का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न मामलों में संबंधित कुल 3 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। इसमें 2 का मौके पर निस्तारण किया गया। सदर SDM प्रभास कुमार ने मामलों की सुनवाई की। कोतवाली प्रभारी दिलीप सिंह ने बताया कि समाधान दिवस में विभिन्न मामलों में संबंधित कुल 3 प्रार्थना प्रस्तुत किए गए। इसमें से 2 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस अवसर पर तहसीलदार मुकेश सिंह, सदर CO ओजस्वी चावला, तहसीलदार मुकेश सिंह कानूनगो अनिल चौबे, कानूनगो रविंद्र गुप्ता, लेखपाल बेनी माधव सिंह, लेखपाल सत्य प्रकाश, लेखपाल मृत्युंजय राय, लेखपाल अनुपम राय, लेखपाल अभिषेक, लेखपाल अतुल सिंह आदि मौजूद रहे। युवा यादव महासभा के पदाधिकारियों और सपा जिलाध्यक्ष रामधारी यादव के नेतृत्व में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सादात ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश सिंह द्वारा बनकटा गांव निवासी ओमकार यादव को जाति पूछकर अहिर जाति का होने पर थप्पड़ मारने और जाति सूचक गालियां देने वाले के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। चेतावनी दी कि ब्लॉक प्रमुख की जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग व्यापक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी सत्यपाल यादव, पूर्वांचल प्रभारी प्रवीण यादव मुलायम, गोविंद यादव, संदीप सिंह, रामवृक्ष यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष निजामुद्दीन खान, पूर्व महासचिव सदानंद यादव, जिला महासचिव अशोक बिंद, मीडिया प्रभारी अरुण कुमार श्रीवास्तव, आत्मा यादव आदि मौजूद रहे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर बिजली के निजीकरण के विरोध में शनिवार को भी पूरे जनपद में उपखंड स्तर पर 9 चिन्हित स्थानों पर शाम 4 से 5 बजे तक विरोध सभा आयोजित की गई। अधिशासी अभियंता कार्यालय पर आयोजित सभा में जिला संयोजक निर्भय नारायण सिंह ने बताया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के विघटन व निजीकरण के विरोध में 28 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन पर राजधानी लखनऊ सहित समस्त जनपदों व परियोजनाओं पर शाम 5 बजे मशाल जुलूस निकाला जाएगा। इस मौके पर अधिशासी अभियंता मनीष कुमार, महेंद्र मिश्रा, आदित्य पांडे, आशीष चौहान, सहायक अभियंता विजय यादव, शत्रुघ्न यादव, अमित कुमार, मिठाईलाल, सत्यनारायण चौरसिया आदि मौजूद रहे। एक तरफ जहां प्रदेश और केंद्र सरकार किसानों का आय दोगुना करने की बात कह रही है, वहीं धरातल पर किसान सिंचाई, खाद, बीज, कीटनाशक आदि मूलभूत जरूरतों से परेशान है। सिंचाई सिस्टम बद से बदतर हो गई है। सेवराई तहसील क्षेत्र के छोटी नहर दिलदार नगर उसिया रजवाहा में पानी नहीं आने से किसानों की धान की फसल सूखने के कगार पर है। नहर में पानी छोड़े जाने को लेकर बसपा नेता परवेज खान ने किसानों को लेकर बीते दिनों उप जिलाधिकारी सेवराई को पत्र भी सौंपा था, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं। गोरसरा और करवनिया डेरा के किसान कालिका यादव, वसीम खान, सुरेश, अमरपाल यादव, जमालुद्दीन खान आदि किसानों का कहना है कि इस नहर का टेल गोरसरा तक है, टेल तक पानी नहीं पहुंचने से फसल सूख सकती है। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।